देश की राजधानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फिलहाल मौके पर दमकल की करीब 12 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया है कि कुल 105 खोखों में आग लगी है। ये इलाका तह बाजारी कहलाता है और लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है। इसमें कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है। आग बुझ चुकी है, कूलिंग चल रही है और साथ ही दमकल विभाग के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं दमकल विभाग ने बताया है कि हमें सुबह करीब 4:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। माना जा रहा है कि आग की चपेट में करीब 60 दुकानें आई हैं और हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग थी, जिसमें कई खोखे जलकर राख हो गए। करोड़ों का नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 केस सामने आए हैं, जबकि 325 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में देश की ताजा स्थिति क्या है यह आपको बता देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,000 से ज्यादा हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक कल 19,206 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद अभी तक 3,45,00,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और एक बार फिर अब आज बहुत ज्यादा उछाल देखने को मामलों में मिली है, क्योंकि 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। वहीं गुजरात के सूरत में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं। बता दें कि यहां प्रिंटिंग मिल में सुबह हुए हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मिल के पास स्थित नाले में अज्ञात टैंकर चालक जहरीले केमिकल नाले में डाल रहे थे, इसी दौरान उसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इसके चलते पास ही में स्थित प्रिंटिंग मिल के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच भी कर रही है। वहीं घायलों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद से ही अफरा तफरी मच गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में केमिकल वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान भी 4 मजदूरों की जान चली गई थी और ये हादसा अहमदाबाद के ढोलका स्थित चिरीपाल ग्रुप की विशाल फैब्रिक यूनिट में हुआ था। हालांकि उस हादसे में गैस लीक का पता नहीं चल सका था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महोबा शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बीजेपी युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव, बीजेपी सांसद और विधायक ने कांग्रेस सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती और कांग्रेस सपा बसपा जैसे राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने परिवारों का विकास किया है, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से। और कहा कि आज केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर है। आज महोबा जो ऐतिहासिक धरती रही है, अलाउदल की धरती रही है, आज आपने देखा युवा मोर्चा का कार्यक्रम था और युवा मोर्चा के कार्यक्रम में युवाओं का जोश आपको देखने को बना और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 2022 का चुनाव है मन बना चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है हर एक क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जिला पंचायत के कार्यों के लोकार्पण के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी श्री कला धनंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में चल रहे 25,000 रुपए के इनाम की खबरों पर उन्होंने कहा कि इस तरह के इनाम कोर्ट में सरेंडर करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और एक महीने तक उस मामले में हमारे पति पूर्व सांसद जेल भी काट चुके हैं। ये एब्सोल्युटली फेक एक्विजेशन है और ये जो भी रिवॉर्ड जो आप बात कर रहे इसके ऊपर नहीं हो सकता है क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं और वन मंथ ही वॉज इन द जेल एंड फिर भी उनके ऊपर कुछ केस नहीं लग पाए दे मेक एनी केस ऑन दैट सो आई डोंट थिंक यू नो दिस एक्विजेशंस विल इन फर्दर ये गलत चीज़ हो रहा है। सितारगंज में पूर्व सैनिकों का संघर्ष रंग लाया है। दरअसल लंबे समय से सितारगंज में पूर्व सैनिकों के द्वारा गौरव सेनानी और वीर नारी जन मिलन केंद्र सामुदायिक भवन की मांग चल रही थी। बुधवार को विधायक सौरभ बहुगुणा ने पूर्व सैनिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए सितारगंज विधानसभा के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र सिसौना में विधायक निधि से 7,50,000 की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन का गौरव सेनानी संगठन के वीर सैनिकों की मौजूदगी में शिलान्यास किया। यही नहीं, विधायक सौरभ बहुगुणा ने घोषणा करते हुए कहा कि 7,50,000 रुपए के अतिरिक्त और भवन के सुंदरीकरण के लिए चुनाव के बाद दिए जाएंगे ताकि भवन की चार दीवारी और रखरखाव अच्छे से हो सके। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लंबे समय से पूर्व सैनिक मिलन केंद्र की मांग कर रहे थे और ये आज शिलान्यास हुआ है और जल्द ही इसका लोकार्पण भी होगा। हमारे जो सैनिक यहाँ पर संगठन है उसके द्वारा डिमांड करी गई थी बहुत पहले कि एक सैनिक मिलन केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। हमारे जो सैनिक भाई हैं जो रिटायर्ड हैं जो सर्विंग हैं उनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी सतारगंज जहाँ पर वो बैठ के अपनी प्लानिंग कर सकें अपनी मीटिंगें कर सकें या कोई प्रोग्राम कर सकें। तो कैप्टन आत्माराम जी और उनकी पूरी टीम मेरे से मिली थी और हमने 7,50,000 रुपये इस भवन के लिए स्वीकृत किए हैं। आज का शिलान्यास हुआ है, आज से काम शुरू हो जाएगा। आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने शमशाबाद रोड राजपुर चुंगी पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका और कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जो अपमान किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत पंजाब के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से ही कहा गया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया बल्कि देश की 125 करोड़ जनता का अपमान किया है। ऊपर से भारत ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका है जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। ऐसी सरकार को हम बहिष्कार करते हैं और उसका सरकार को चैलेंज करते हैं कि तुम उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री पंजाब का जिस तरह से प्रधानमंत्री का देश का अपमान किया इसने 125 करोड़ जनता का अपमान किया है। देश के प्रधानमंत्री अपनी जान बचा के आए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की यात्रा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हमीरपुर में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब सीएम का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सीएम का पुतला लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और सदर कोतवाली इलाके में बस स्टैंड पर पुतला दहन किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हमीरपुर की। दरअसल कल जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई उसके बाद से ही सभी जगह तमाम कोनों कोनों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में भी ये पंजाब सरकार और कांग्रेस का पुतला फूंका गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंजाब के फिरोजपुर में तबाह करने के लिए जा रहे थे। बठिंडा में उनका काफिला रोका गया। लगभग 20 मिनट तक वहाँ की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। सुरक्षा में जो चूक हुई है बहुत बड़ी सरकार की तरफ से जो चूक की गई है इसलिए हमने वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका है और हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। यदि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।
बलरामपुर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तुलसीपुर फिरोज पप्पू के हमले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में हमला करते हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि फुटेज में कोहरा होने की वजह से चेहरे की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। वहीं घटना स्थल के पास रैकी के भी सबूत मिले हैं, साथ ही उसमें लिखा था डोंट फायर, यहाँ मौत है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब हमला हुआ तो ये पूरा का पूरा घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अभी पूरे फुटेज सामने आई है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां रिक्रूट महिला आरक्षियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि गाजीपुर पुलिस लाइन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम के दौरान रिक्रूट महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड भी हुई। कार्यक्रम में आईजी वाराणसी एसके भगत मौजूद रहे, साथ ही गाजीपुर में प्रशिक्षण पा रही महिला आरक्षी पास आउट हुई है। इस दौरान आईजी एसके भगत ने कहा कि लगातार पुलिस फोर्स में वृद्धि की जा रही है और महिला अपराधों को लेकर पुलिस काफी ज्यादा संवेदनशील है। उन्होंने दावा किया कि महिला अपराधों के खिलाफ लगातार सक्रिय कार्रवाई जारी रहेगी। ये आज गाजीपुर जनपद की दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था, इसमें जो है उच्च कोटि का दीक्षांत समारोह परेड हुआ, जिसमें सभी जितने भी प्रशिक्षु लगे हैं लगन से मेहनत से जून से ही मेहनत कर रहे थे और जो है इन्होंने एक बहुत ही उच्च कोटि का परेड का प्रदर्शन किया। आज जो है जितने भी प्रशिक्षु पास आउट हो रहे हैं 198 की संख्या है, सभी लोग उत्तीर्ण हुए हैं और सभी पास आउट हुए हैं। सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लक्सर शुगर मिल से निकलने वाली गन्ने की मैली से लदे ओवरलोड वाहन सड़क पर दौड़ने की वजह से अब लक्सर की मेन सड़क पर कीचड़ बना हुआ है, जिससे साइकिल सवार मोटरसाइकिल सवार यहां तक कि पैदल चलने वाले लोग भी फिसल कर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने लक्सर पुलिस के सामने मामले को पुरजोर तरीके से उठाया तो पुलिस अपनी गलती मानने के बजाय उस व्यक्ति पर ही भड़क गई और सारी गलती का ठिकरा उसी के सर पर फोड़ दिया। जबकि सच्चाई ये है कि लक्सर पुलिस किसी भी तरह के ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस और पीड़ित लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। मौके पर खड़े उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने मामले में हस्तक्षेप किया और शुगर मिल के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। ये जो मैली चल रही है ओवरलोड चल रही है और मैली जो चल रही है तो गिरती रहती है, जैसे ही वो पड़ती है वो सड़क पर जाते हैं, उससे काफी लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज भी सुबह से 15-20 लोगों के यहाँ गिरकर चोट लग चुके हैं, कई लोगों के घुटने टूट चुके हैं। आज सुबह आपको इससे अवगत कराया है, पर एक पब्लिक बात भी दर्ज हो गया है। अभी मैं मौके पर ही हूँ, वास्तव में ये बहुत परेशानी का कारण है। मैंने अभी अभी जो नगर पालिका की टीम को यहाँ पर मौके पर आने के निर्देश दे दिए कि तत्काल आगे सफाई करें, साथ ही शुगर मिल पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमण के बीच अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने के संबंधित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग को वर्तमान हालातों को देखते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि क्या राज्य में वर्चुअल रैलियां संभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि कोरोना का संक्रमण क्योंकि अब तेजी से फैल रहा है तो ऐसे में क्या ऑनलाइन वोटिंग कराई जा सकती है, जिस पर सच्चिदानंद डबराल की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी कर पूरे मामले में आने वाली 12 जनवरी को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। रामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अवनी सिंह ने शहर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर महिलाओं की कई प्रकार की समस्याओं के लिए आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सम्मिलित हुई वो और उन्होंने वहां पर महिलाओं की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान बच्चों की शिक्षा,
स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता और घरेलू हिंसा से सुरक्षा सहित कई मामलों पर 8 शिकायतें मांग पत्र प्राप्त हुए। शिकायतों के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। आज लगभग 8 केस आए हमारे पास। घरेलू हिंसा का एक ही केस है, बाकी बच्चों के जिनके माता पिता कोरोना से या फिर माता पिता दोनों का देहांत हो गया है उनकी शिक्षा के लिए और उनकी परवरिश के लिए, बाकी सारे केस उस संबंधित हैं। तो आज की कुल कितनी शिकायतें आई हैं? और 8 केस हैं आज, 8 ही शिकायतें, क्योंकि एक तो मौसम बहुत ख़राब है, कुछ लोग नहीं आ पाए मौसम की खराबी की वजह से, और हमने जो भी केस आए हैं 8 केस आए हैं संबंधित अधिकारियों को आगे के लिए भेज दिए गए। सीतापुर के खैराबाद पुलिस का कारनामा सामने आया है। दरअसल 3 गांवों के 270 लोगों का शांति भंग करने में चालान काट दिया गया है। साथ ही आपको बता दें उन सब में 3 बच्चों का भी चालान हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की और सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।